सभी का बहुत स्वागत है इस ग्रैंड बुक लॉन्च पर। आई एम कृष्णा। कृष्णा एक ऐसे कहा जाए हमारे भगवान है जिनसे हर कोई जुड़ा हुआ है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो बुक है, बुक से आप सभी क्या उम्मीदें रख रहे हैं और जी जो लिखावट है उनसे आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं और समाज में कितना असर करेंगे आप सभी। चूँकि बुक लिखी तो इन्होंने हैं लेकिन पढ़ने वाले हम आप हैं, तो उम्मीदें हमारी ज़्यादा महत्व रखती हैं। श्री कृष्ण को आप भगवान कहें, अवतार कहें, या कहें कि मैं स्वयं श्री कृष्ण, उनसे हमने सीखा बहुत कुछ है लेकिन उनको समझना बहुत मुश्किल है। और हमें उम्मीद है कि ये पुस्तक, जो कि अभी तो शुरुआत है, मेरा ये ख्याल है कि ये अभी 5 भागों में बंटी है और कुल मिला के कोई 1500-1600 पृष्ठ की होगी, तो इससे हम कृष्ण को और कृष्ण की मनस्थिति को, कृष्ण की साइकोलॉजी को समझने की शुरुआत कर पाएंगे, ये अपेक्षा हम इस पुस्तक से रखते हैं। मैं कृष्ण को समझना चाहती हूँ। अब तक सिर्फ पूजती आई हूँ, मूर्ति पूजन में बहुत बिलीव किया है लेकिन कृष्ण को समझ नहीं पाई हूँ। और अक्सर ये माना है कि हमारे अंदर कृष्ण है, जो कि कृष्ण खुद कहता है कि मैं कण कण में हूँ। तो मुझे लगता है इस बुक को पढ़ने के बाद ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमसे मिस हो जाती है, हमें समझ नहीं आती है, वो इस बुक से समझ में आएंगी। और मुझे लगता है गीता समझने में भी ये बुक मुझे काफ़ी हेल्प करने वाला है। एंड मुझे विश्वास है, उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि मुझे काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इस बुक से प्रैक्टिकली लाइफ को लीड करने में, हैप्पी रहने में। सो जैसे कि भगवत गीता की बात करें, अपने आप में एक संपूर्ण एक अध्ययन हो जाता है श्री कृष्ण के बारे में। बात की है क्योंकि आपने किताब लिखी है, वो उसमें कितनी गहराई होगी श्री कृष्ण की शख्सियत से, उनकी सीख से, हर चीज़ से। ये किताब भगवत गीता का ही विस्तार है। ऐसा है, भगवत गीता में कृष्ण शब्दों में कह रहे हैं और इसमें कृष्ण वैसा जी रहे हैं, तो गीता का एक एक श्लोक ही है इसमें और कुछ भी नहीं है। और कौन सा श्लोक उन्होंने कब सीखा, कौन से अनुभव से सीखा और फिर उसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करा, तो गीता और कृष्ण अलग नहीं है। हम और हमारी बातें, हमारी साइकोलॉजी हमसे अलग नहीं हो सकती। हम गलत जी सकते हैं, झूठा जी सकते हैं, तो बात अलग है, ईमानदारी में अलग नहीं होती। जी मैं, मेरा शायद नज़रिया थोड़ा सा अलग भी हो सकता है क्योंकि मैंने, मेरे लिए जिस तरीके से मैं बड़ा हुआ हूँ या जहाँ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग या जो एजुकेशन है वो हमेशा से ये रहा है कि चाहे थिएटर हो या सिनेमा, कोई भी देश का सिनेमा हो, कृष्ण से बेटर कैरेक्टर कोई नहीं। आज तक का कोई भी प्रोटैगनिस्ट हो, कोई भी कैरेक्टर हो, वो बेस इसी कैरेक्टर में। ही इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स माइथोलॉजिकल कैरेक्टर एवर रिटन, एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडियन माइथोलॉजी दैट वी हैव क्रिएटेड दिस कैरेक्टर, और अदर इट्स विद अस। मुझे बहुत फख्र महसूस होता है एंड मैंने हमेशा उसको उसी तरीके से अप्रोच किया। एंड आज जब ये किताब सर ने लिखी है दीप जी ने, और जब मिलेगी तो मैं इसको पढ़ूँगा। And I think it will help me more as an actor. It will help me approach life in a different way. I'm really looking forward to it. How well put. हमने ये भी देखा कि आज के ज़माने में श्री कृष्ण के ऊपर कई सारे धारावाहिक भी बन चुके हैं, हर तरह से उनको एक तरह से दर्शाने की कोशिश की गई है। आज के जनरेशन में दर्शाया जा रहा है श्री कृष्ण के आने के लिए, आजकल देख रहे हैं कार्टून्स में भी दर्शाया जा रहा है, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ऐसा ख्याल है कि ये सारे प्रयास कृष्ण को और कृष्ण के दर्शन को जीवित रखने के प्रयास हैं। और जैसे आगे भी बताया गया, दैट कृष्णा इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंट्रीगिंग कैरेक्टर वी हैव एवर हैड। तो
कौन लेखक होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन प्रोड्यूसर होगा जो इसे छोड़ना चाहेगा। और जैसे कि हमने कुछ अंश पढ़े मैंने, तो उससे भी उजागर हुआ कृष्ण के कई पहलू, और ये तो एक्सर्प्ट्स थे, अंश थे, पूरी पुस्तक में न जाने हम किस गहराई तक जाएंगे। दीप सर की किताब आई है आई एम काइंड, आपका एक जो वाक्य है बहुत ही पॉपुलर है, आई एक समझ कनेक्शन है नहीं समय आई नहीं है, लेकिन उसका जो किताब है उसका पहला वाक्य यही है कि मैं समय हूँ। टाइम अभी आ रही है नेक्स्ट, उसमें ही पहला वाक्य यही है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अभी तक मैं कह रहा था मैं समय हूँ, आज से मैं कहूँगा बड़े गर्व से कि मैं कृष्ण। बहुत बढ़िया। मैं आजकल फ्यूचर में नहीं, मैं प्रेजेंट में जीने लगी हूँ। जब से मैंने इनको पढ़ना शुरू किया है, मैं फिलहाल प्रेजेंट में हूँ और बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर में। अगर समय में होगा कि मैं ऐसे शो से जुड़ पाऊँगी तो ज़रूर जुड़ सकूँगी। मुझे लगता है कोई भी ऐसा किरदार जो कि इंसान को महाभारत से, और मैंने बापरे हर इंसान हर किरदार में कुछ ना कुछ खासियत है। ऑफ कोर्स कृष्ण मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत प्रिय हैं, तो मैं मुझे तो कृष्ण ही खाते हैं। अगर आपको विकल्प दिया जाता तो आप महाभारत का कौन सा चरित्र करते हैं? मैंने अम्बा किया है और मुझे लगता है कि मैं उसका अगला जो शिखंडी का जो रोल था मैं उसको कंटिन्यू करना चाहती, जो मुझसे नहीं हुआ। शिखंडी हमारे लिए छोड़िए ना। अरे जी बहुत सही, शिखंडी हमारे लिए, मैं वो कैरेक्टर करना चाहती हूँ। जी कोई एक किरदार आपको निभाना हो महाभारत के किसी भी कैरेक्टर में, आपका फेवरेट कोई कैरेक्टर? जी देखिए, महाभारत बाय इटसेल्फ बहुत खूबसूरत कहानी, बहुत खूबसूरत स्क्रीन प्ले, बहुत मज़ेदार स्क्रीन प्ले है उसका। जिस तरीके से उसका हर चैप्टर यू नो जाता है, हर चीज़ जो कही जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई इज़ इट बीइंग सेड, उसका प्रॉपर कनेक्शन है। अगर एक्टर के नज़रिए से, मैं सिर्फ और एक्टर के नज़रिए से कह रहा हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए, मैं अश्वत्थामा का कैरेक्टर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत बेहतरीन कैरेक्टर लगता है, उसकी सोच, उसकी समझ, उसके इमोशंस, और वो एक लौता कैरेक्टर है जो खड़े होकर शायद अपनी भोलेपन में एक ऐसे ग्रेट व्यक्ति के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है जो कृष्ण है, उनसे बात करता है। आपको शायद ये भी पता हो कि ये मान्यता है कि अश्वत्थामा आज तक जीवित है। बिल्कुल, कहा जाता है मध्य प्रदेश में या कहीं पर, यू डोंट नो। एक आखिरी सवाल दीप जी, आपने जब आप बात कर रहे थे आपने बोला था कि कोई भी महान हो, अपने जीसस क्राइस्ट की एग्जाम्पल दी खुद की, आपने बोला कि थोड़ा बहुत हजारों साल के बाद थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन जोड़े जाते हैं कुछ, और थोड़ा नमक मसाला जोड़े जाते हैं। तो मुझे पूछने का है, श्री कृष्ण जी हो या बुद्ध हो या जीसस क्राइस्ट हो, आपको लगता है कि ये जोड़ने से, ये थोड़ा मतलब ये नमक मसाला डालने से दी एक्चुअल एसेंस, दी एक्चुअल साइकोलॉजी उधर भी खो गई है, नुकसान हो रहा है ना? फायदा क्या होना चाहिए कि मैंने आज हरीश जी ने एक यात्रा करी है जीवन की, तो प्रकृति पक्षपात नहीं है, उसने मनुष्य बनाया है, मनुष्य ने अपने को महान बनाया है, तो हम मनुष्य का जो अचीवमेंट जो उसने पाया है वो कैसे पाया वो सीखने जैसा है। अब उसको हमने हवाई बना दिया कि किसी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, किसी ने ये कर दिया, तो हमको लगता है कि हमारे अप्रोच के तो बाहर हो गए। हमने अप्रोच के जो चीज़ अंदर है, हम मनुष्य हैं तो हर मनुष्य हमारे अप्रोच के अंदर होना चाहिए, हम बाहर कर देते हैं नुकसान हो जाता है। इसलिए आपने आलोचना की कुछ सीरियल्स की? नहीं, कुछ भी गलत है, हमारी अप्रोच के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी किसी ने बॉम्बे में स्ट्रगल करी आज महान एक्टर बन गए, किसी ने क्या करा तो वो उनकी क्रेडिट है, फिर हम भाग्य में लिख दें ऐसा कर लें, गलत बात, हम सीख नहीं पाते उनसे। इंग्लिश में एक शब्द है डेइफिकेशन, डेइफिकेशन,
take a person but you forget really the essence and you deify the thing. What is your opinion on anyone across religions, across religions? मेरा ऐसा ख्याल है कि समय आ गया है कि डीडीफाई किया जाए, और ये हर एक धर्म के गुरु कहो या देवता कहो महापुरुष कहो उनके साथ जुड़ गया है। मेरा ये विश्वास है कि आज से एक या दो सदी के बाद आप पुस्तकों में पाएंगे कि एक कोई गांधी थे और वो बड़े चमत्कार करते थे, उनकी यूं करने से पूरे के पूरे ब्रिटिश चले गए जो, हाँ। तो अगर हम इस और इसकी वजह से कुछ धर्मों में, कुछ महान धर्मों के प्रति हम हिकारत की नज़र से देखते हैं, कैसे कभी हो सकता है कि भाई कृष्ण ने इतने बड़े कालिया नाग को का हनन कैसे किया, हम जानते हैं, नहीं हो सकता। तो इसका सिंबलिज्म हमें इससे अलग करना, द्रौपदी के पांच पति नहीं थे, लेकिन जब उससे पूछा गया था कि तुम्हें हु विल बी योर आइडियल हस्बैंड, तुम्हें उसमें क्या चाहिए, तो उसने इतने सारे गुण गिना दिए कि उसे कहा गया कि तब तो तुम्हें पांच के साथ शादी करनी पड़ेगी। और अगर कहानी ना गढ़े तो आप मैसेज तक पहुंच नहीं सकते। दूसरी तरफ मुश्किल ये भी है, और हम आप चाहे जितना रैशनली देखने की कोशिश करें, अगेंस्ट टू ऑफ अस देयर माइट बी 2 million हु विल शट अस अप। तो डीडीफिकेशन इज नेसेसरी, बट आई डोंट नो व्हेन दैट विल हैपन। मैं एक चीज हरीश जी की बात में कहना चाहूँगा, इन्होंने इतनी बढ़िया बात कही। देखिए 200 साल बाद क्या जो उन्होंने होने वाला है वो कहा कि गांधी जी के पास छड़ी थी, मतलब ये हो गया कि हमारे पास छड़ी नहीं है तो हम गुलामी से हैं। तो हम क्रेडिट जब छीन लेते हैं तो हम सीखना बंद हो जाते हैं, यही मेरा कहना है कि हम क्रेडिट छीन। आज हरीश जी की आवाज़ हम समझो इतने सालों से सुन रहे हैं और आज वैसी की वैसी है, तो क्रेडिट देंगे कि अरे उनके भाग्य में था, भगवान ने बोल दिया तेरी आवाज़ को कुछ नहीं होगा और मेरी आवाज़ को हो गया। अरे मैंने भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, दैट्स व्हाट पूरी बात है जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल वही बात है। थैंक यू वेरी मच।